नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा पैरामेडिकल अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें टोटल वैकेंसी 1350 पोस्ट है। इसका जो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस है वो 10 मई 2024 को ही निकला था। दोस्तों, मैं मेरे व्यूअर के लिए ये नोटिफाई कर नहीं पाया था, मुझे लगा कि आप लोगों को नोटिफाई कर दो, ठीक है, जो कि 10 जून 2024 को, दोस्तों 10 जून 2024 को ये नोटिफाई किया गया था, ठीक है। मैं आप लोगों को नोटिफाई करना भूल गया था, इसलिए ये जो शॉर्ट नोटिस है आप देख सकते हैं, ये आपका वो शॉर्ट नोटिस देखिए 10 जून 2024 को निकला है। दाएं तरफ कॉर्नर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो वैकेंसी है ये शॉर्ट नोटिस से निकला है। दोस्तों, ऑफिशियल जो लॉन्ग नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, वो अभी तक नहीं आया है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए एक आर्टिकल का सहारा लिया, जिससे द्वारा आप लोगों को एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, सैलरी पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन और एज लिमिट सब कुछ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये है वो वैकेंसीज दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट 4 पोस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन 4 पोस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 7 पोस्ट, डाइटिशियन 2 पोस्ट, डाइटिशियन लेवल 7 3 पोस्ट, स्टाफ नर्स 678, डेंटल हाइजीनिस्ट 3 पोस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन 20 पोस्ट, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 132 पोस्ट, लैब सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 3 27 पोस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट 4 पोस्ट, परफ्यूशनिस्ट 2 पोस्ट, फिजियोथेरापिस्ट 20 पोस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 246 पोस्ट, रेडियोग्राफर 64 पोस्ट, स्पीच थेरापिस्ट 1 पोस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन 13 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 94 पोस्ट, फील्ड वर्कर 19 पोस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट 2 पोस्ट, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट 3 पोस्ट, कैथ लैब टेक्नीशियन 2 पोस्ट। टोटल कुल मिलाकर 1350 पोस्ट है दोस्तों। आप लोगों को पोस्ट मिल गया, अभी क्वालिफिकेशन यह सब दोस्तों देख सकते हैं, आप लोगों को क्वालिफिकेशन पोस्ट, उसके बाद क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका एज लिमिट, जनरल यूआर कैटेगरी को कितना एज लिमिट, और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन आप लोग हिसाब कर लीजिएगा, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, ठीक है। पहले पोस्ट है दोस्तों डायटिशियन, डायटिशियन के लिए बीएससी विद डिप्लोमा इन डाइट प्लस 3 मंथ का इंटर्नशिप, अथवा बीएससी होम साइंस प्लस एमएससी होम साइंस। आपका आयु कितना होना चाहिए, 18 to 30 ईयर्स। दोस्तों, मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहे हो, आप अपने अपने हिसाब से वीडियो को स्टॉप करके पोस्ट देख लीजिएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, अगर मैं एक एक करके बताना चाहूँगा तो आप लोगों को दिक्कत में आ जाएगा। आप अपने अपने पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इतना सब लोग आजकल पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टाफ नर्स, उसके बाद डेंटल हाइजीनिस्ट, उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सटेंशन एडुकेटर, उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट, परफ्यूशनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, रेडियोग्राफर, स्पीच थेरापिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ विजिटर, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 3, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट आप लोग देख चुके हो, ठीक है। दोस्तों, ऑफिशियल जो मेन नोटिफिकेशन है वो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आ जाएगा, डिटेल्स नोटिफिकेशन, इसलिए आप लोग www.indianrailways.gov.in इस वेबसाइट आप लोग चेक की, मतलब आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा फुल डिटेल्स के लिए, ठीक है। अभी दोस्तों आ जाते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें। दोस्तों, ऑनलाइन द क्वेश्चन पेपर वो सिंगल स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 90 मिनट का टेस्ट आप लोगों के लिए होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 120 मिनट, 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अगर 3 गलत जवाब के लिए आपका 1 मार्क कटा जाएगा, और 1 गलत जवाब के लिए 0.33 मार्क कटा जाएगा। आपका जो एग्जाम पैटर्न है, प्रोफेशनल एबिलिटी, आप जिस स्ट्रीम से हो, जो स्ट्रीम से हो, अपने अपनी स्ट्रीम के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट, जो आपका मेन पढ़ाई सब्जेक्ट है उससे 70 मार्क, जनरल अवेयरनेस यानी जीके 10 मार्क्स,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क और जनरल साइंस जो कि क्लास 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का जो जनरल साइंस है उससे 10 मार्क, टोटल 100 MCQ 100 मार्क आएगा। पास मार्क जनरल EWS के नेट को 40% पाना होगा, यानी 100 में से 40 पाना होगा कम से कम पास होने के लिए। SC OBC को 30% यानी 30 पाना होगा और ST को 25% आप मिनिमम पास हो जाओगे। इतने में से तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि टफ कंपटीशन है, ऑल इंडिया बेसिस कंपटीशन, जिसको जितना मार्क्स मिलेगा उतना ही अच्छा है सिलेक्शन होने के लिए। दोस्तों आइए दोस्तों आप लोगों के लिए सिलेबस देखते हैं। यह आपका दोस्तों सिलेबस, पहले दोस्तों जनरल एरिथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होगा 10 मार्क का MCQ आएगा। क्या क्या पढ़ना होगा आप देख सकते हैं, यहाँ से नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये आपको पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस पार्ट्स आपको पढ़ना होगा, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना होगा। इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, आपको इंडिया का जो कल्चर है एंशियंट से लेके वो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल खास करके वो आपको पढ़ना होगा, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम का जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान एंड राजनीति, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द होल एंड द वर्ल्ड, मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड जितना भी इश्यूज है आजकल पर्यावरण का से जुड़े हुए, नेशनल इंटरनेशनल सभी आपको पढ़ना होगा जो कुछ भी हो रहा है पर्यावरण के साथ। स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ये आपको पढ़ना होगा 10 मार्क। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सब आपको पढ़ना होगा। एनालॉजिस, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीशन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एज्यूम्शन, ये आपको पढ़ना होगा रीजनिंग की तौर पे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका जनरल साइंस, जो क्लास 10th 12th स्टैंडर्ड का होगा, CBSE सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस के हिसाब से। दोस्तों अभी है सैलरी, आपको जो वेतन का मिलेगा लेवल, देखिए डायटिशियन का लेवल 7 मिलेगा 44,900 से लेके 142,400 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। स्टाफ नर्स को भी सेम, डेंटल हाइजीन्स को लेवल 6 35,400 टू 112,400 का पे स्केल मिलेगा। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन सेम लेवल 6, एक्सटेंशन एडुकेटर लेवल 6, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 लेवल 6, लैब टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 6 सेम, ऑप्टोमेट्रिस्ट लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। परफ्यूशनिस्ट लेवल 6 35,400 से लेकर 112,400। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट 35,400 से लेकर 112,400। फार्मासिस्ट ग्रेड 3 लेवल 5 29,200 से लेकर 92,300 आप लोगों को मिलने वाला है पे स्केल। रेडियोग्राफर लेवल 5 सेम, स्पीच थेरेपिस्ट यहाँ पर भी सेम, ECG टेक्नीशियन 25,500 से लेकर 81,100, लेडी हेल्थ विजिटर 25,500 से लेकर 81,100। उसके बाद दोस्तों लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 3 मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, जो मोटे तौर पर डिटेल्स आप लोगों को चाहिए था मैं यहाँ पर आप लोगों को दे दिया। ये जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, एकदम आप लोग देख सकते हैं, और हो सकता है कि अगस्त महीने ही आप लोगों को अप्लाई करना पड़े, ठीक है। इसका डेट भी आ जाएगा और एग्ज़ाम का डेट तो आप लोग जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तो आप लोग वो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, अगर हमसे मिस हो जाता है तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा।